नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिश्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में एक हम नई वीडियो लेकर हाजिर है, जो कि कहते हैं ना कि स्त्री का कौन सा हाथ देखना चाहिए, दाहिना देखना चाहिए या बायां देखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। जैसे कि हम कहते हैं कि स्त्री का कौन सा हाथ देखना चाहिए, ये गूढ़ विषय है, इस पे काफी लंबी चर्चा की जा सकती है। कहते हैं ना कि स्त्री का बायां हाथ और पुरुष का दायां हाथ देखना चाहिए, लेकिन ये भी स्वाभाविक है कि हमारी इस बंद मुट्ठी में आया क्या है। अगर सामुद्रिक शास्त्र की बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो स्त्री गृहिणी होती है, घर का काम करने वाली होती है, उसका हम बायां हाथ देखते हैं, जिसका उसके हाथ में सारी एक्टिविटी उसके बायां हाथ में होती है। अगर वो घर से बाहर किसी व्यवसाय को कर रही है तो उसका हम दाहिना हाथ देखते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों से हटकर हम उसके चिन्हों को दोनों हाथ में देखना चाहिए हमें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम क्या कर्म किए हैं या पिछला क्या, जैसे पूर्व जन्मों का फल कहते हैं, तो हमारा जो बायां हाथ है, हम पिछले जन्मों की बात करते हैं, हम उस बंद मुट्ठी में क्या लेके आए हैं। अब वो हमारे बायां हाथ में फिक्स होता है, बंद मुट्ठी में है, लेकिन अगर जो हमारा दाहिना हाथ है, हम कैसा पुरुषार्थ करेंगे, कैसा कर्म करेंगे, वो हमारा दाहिना हाथ बताएगा। अब इसी को लेकर जब भी सवाल आता है तो देखो, मैंने अपने अध्ययन में ये जरूर पाया है कि जो स्त्रियां वो रोजगार में है या जॉब में है, करियर से रिलेटेड अगर कोई चीज सवाल उठता है तो उनका हम दाहिना हाथ देखते हैं। लेकिन अगर वो मर्द कोई भी है जिसको पुरुष बोलते हैं तो उसका हम दाहिना हाथ देखते हैं। इसलिए इसका एक लॉजिक ये भी बनता है कि अगर कोई चीज हम करते हैं जो हमारा हाथ एक्टिव होता है, हमारी जो सोच होती है, हमारे माइंड से जो सोच निकलती है, जो हमारे हाथों पे प्रिंट होती है, वो हमारे दाहिने हाथ में होते, एक्टिव हाथ इसको हम बोलते हैं। अगर एक्टिव हाथ से हम कोई भी काम करते हैं तो उसके सारे गुण हमारे दाहिने हाथ में आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो महिलाएं भी हैं, स्त्रियां भी हैं, अगर वो अपने दाहिने हाथ से काम करती हैं, रोजगार में करती हैं, तो उनका हम दाहिना हाथ भी देखते हैं। और इसमें भी ये सत्यता पाई गई है कि एक्टिव हाथ में हमेशा पॉजिटिविटी ज्यादा आती है। कई लोग आप देखें बाएं हाथ से ज्यादा काम करते हुए देखेंगे और उनका बायां हाथ एक्टिव हो जाता है और उनके सारे जो गुण होते हैं वो बाएं हाथ में मौजूद हो जाते हैं, मिलते हैं उसमें गुण, एक्टिव चीजें होती है जो हमारी माइंड की सोच होती है वो परिवर्तित होती है। यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि छोटे बच्चों का हाथ नहीं देखा जाता है, उसके पीछे क्या मकसद है कि बच्चों के हाथ में जो हमारी रेखाएं होती है, जैसे 14 साल के पहले बच्चों का हाथ हम नहीं देखते हैं क्योंकि उनके हाथों में काफी प्रबल रेखाएं होती हैं जो आगे की प्रोग्रेस के बारे में परिवर्तित होती रहती हैं, और उनके 14 साल के बाद जो एक्टिविटी आती है उस बच्चे के हाथ में या लक्षण होते हैं उसी के आधार पे हमें गणना करनी चाहिए। और मैंने एक अध्ययन में और पाया है कि अगर जैसे इन रेखाओं को चेंज होते, मैंने देखा है 6 महीने के अंदर अपने हाथ की इन रेखाओं को आप चेंज कर सकते हैं,
पॉजिटिविटी बदल सकते हैं। अगर ये कोई चोर है, वो चोरी करता है और आप उसको 6 महीने के लिए मंदिर लेके जाएं और मंदिर से वापिस लाए, मंदिर ले जाएं और मंदिर से वापिस लाए, आप देखेंगे तो कुछ दिनों में उसका जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा, उसके अंदर एक परिवर्तन हो जाएगा। तो हम अच्छे कर्म करके इन अपने हाथ की रेखाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि महिलाओं का जो है वो बाएं हाथ देखा जाता है, गृहिणी वगैरह जो होती हैं और जो एक्टिव होती हैं, जो जॉब में हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें चलना होता है, तो उसका हम उनकी करियर की बात जब भी होगी तो हम उनका दाहिने हाथ अवश्य देखेंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।